जवाब देने लगी, हे स्वामी तुमने मुझे एक पल समझाया लेकिन मैंने तुम्हारी एक बात को नहीं माना। आज सुनी थी झोंपड़ी में बैठी अपने स्वामी की बातों को याद करके फूट फूट के रो रही है ना। हे स्वामी संसार में मेरा कोई नहीं है, स्वामी अगर मेरे एक पुत्र होता तो ये दृश्य देखने के लिए मुझे नहीं मिलता। आज फूट फूट के सुनीति झोंपड़ी में रो रही है। इधर ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, आज महाराज उत्तान पाद विचार करने लगे हैं कि जिस समय काफी दिन हो गए मैं शिकार खेलने के लिए नहीं गया हूँ, आज मैं शिकार खेलने के लिए अवश्य जाऊंगा। इधर महाराज उत्तान पाद शिकार खेलने के लिए तैयार होते हैं, इधर वो सुनीति झोंपड़ी से निकल कर के बियाबान जंगल में पहुंची, घूम रही है, विचार करने लगी संसार में मेरा कोई नहीं है। अब तुम अपनी आत्महत्या अवश्य कर लो। जंगल में घूम रही है, जैसे ही जंगल में घूम रही थी देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद ने जवाब दिया है, बेटी तुम इस जंगल में क्यों घूम रही हो? सुनीति कहने लगी, स्वामी क्या बताऊं, मेरे संतान भी नहीं है और भी मुझे कोई आशा दिखाई नहीं देती है, इसलिए मैं इस बियाबान जंगल में अपनी आत्महत्या करने के लिए आया। देवर्षि नारद कहने लगे, चिंता मत करो बेटी, जाओ तुम्हारे गर्भ से बेटे की अवश्य प्राप्ति होगी। अगर तुम्हारे बेटा प्राप्त नहीं हो तो सुकुए में आकर अपनी आत्महत्या अवश्य कर लेना। सुनीति को समझाया, सुनीति वापस अपनी झोंपड़ी में पहुंच जाती है। इधर महाराज उत्तान पाद शिकार खेलने के लिए जब बियाबान जंगल में पहुंचे, शिकार खेलते खेलते मेरे श्रोताओं काफी वक्त हो गया, काफी समय हो गया, आधी रात का समय हो गया। जैसे ही महाराज उत्तान पाद अपने महलों की तरफ चले हैं, दरवाजे को खटखटाया है, सुरची ने दरवाजा नहीं खुला, आवाज लगा रहे हैं, रानी दरवाजा खोलो, लेकिन सुरची ने कोई ध्यान नहीं किया, सो गई। तो महाराज उत्तान पाद को अपनी बड़ी रानी की याद आई, विचार करने लगे, आज मैं अपनी बड़ी रानी के पास में चलता हूँ। ध्यान रखना, जैसे ही बड़ी रानी के पास में चले हैं तो वो मैया घास के बिछौने पर बैठी हुई थी। कहाँ वो माँ सुंदर बिस्तर पे बैठने सोने वाली, क्या उसे घास के बिछौने पर नींद आ जाएगी? कभी नहीं। जैसे ही रानी ने अपने स्वामी के घोड़े को आते हुए देखा, शरीर कांपने लगा, सोचने लगी कि अब मुझे कौन बचाने वाला है, मेरी छोटी बहन ने मेरे स्वामी को मुझे मारने के लिए भेजा है,
रोने लगी, आंसू की उस धारा बह रही थी, शरीर कांप रहा था, सिट पिटाने लगी कि हे प्रभु अब मुझे कौन बचाएगा, आधी रात का वक्त होने के लिए जा रहा है, अब मुझे कौन बचाने वाला है, रोने लगी। महाराज उत्तान पादाए घोड़े को खड़ा किया है, रानी के पास में पहुंचे, रानू की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, रानी को दहर धारण कराया, शांत किया है, जवाब दिया है, रानी मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन खिला दो। तो रानी के पास में वक्त उस समय कुछ नहीं था, सिर्फ एक चौकी रोटी पड़ी हुई थी। रानी कहने लगी स्वामी मेरे पास में कुछ नहीं है, मैं तुम्हें क्या खिला दूं? महाराज ने जवाब दिया, रानी जो कुछ भी हो वो हमें भोजन करा दो, मुझे भूख लगी है। जैसे ही सुनीति ने वो चौकी रोटी ला कर दी है, महाराज की आंखों से आंसू बहने लगे, कहने लगी हे रानी मैंने तुम्हें बहुत समझाया था कि तुम दूसरी शादी की जिद मत करो, तुमने ये दृश्य तुम्हें देखने के लिए मिल रहा है ये समय तुम्हारे लिए नहीं होता। रोने लगी, ध्यान रखना मेरे भक्तों, आज धीरे धीरे समय गुजरा है, आज महाराज उत्तान पाद ने उसी जगह पर विश्राम किया है, सुबह हुआ।